माशाल्लाह अभी आपने ब्रेक से पहले देखा जो इधर माहौल बन गया था कि हमारे दोनों सिंगर बहुत सुरूर में आ गए थे, फराज रजा और हमारे जो बहुत अच्छे अपेयरेंस रखते हैं, बड़े बड़े स्ट्रीम चैनल्स पे आते हैं जिम्मी सनम, वेलकम करते हैं उनको हम। और इन्होंने बिल्कुल आके जो हमारा साथ दिया है इमोशनल हो और गई। इमोशनल कर दिया थोड़ा सा। आपने भी देखा कि हम दोनों की आंखों में तो वैसे आंसू आ गए थे हमारे, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला हमारे गेस्ट को देखने का कि उनकी क्या सिचुएशन है। लेकिन जो माँ का रुतबा है वो हर किसी को अपनी माँ और माँ को अपना बच्चा चाहे काला क्यों ना हो प्यारा होता है, क्योंकि उसी के लिए वही जन्नत है, उसी के लिए वही दुनिया है। तो अपनी माँ की खिदमत करें क्योंकि आखिर में यही आपके निजात का ज़रिया बनेगा। बिल्कुल आसिफ भाई, क्या महसूस किया आपने वो अब जो कलमात थे, वो जो शायरी है जिसने लिखी है और उसको गाया है और अभी उसको रीटेक किया इन्होंने दोबारा से जिमी ने, तो आप क्या कहते हैं? अब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने तो आपको, आपकी वालदा वालिद को तो जन्नत से नवाजा है, माशाल्लाह। तो आप वो फील करते होंगे जब आपके साथ वो दौर गुजरा है, आपको जिस तरीके से पाला पोसा आगे बढ़ाया, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तो माँ बचपन से नहीं है, ठीक है, तो ये मेरे से ज़्यादा कौन जानता है कि माँ की क्या इज्जत, माँ की क्या हैसियत और बिल्कुल माँ से क्या बिल्कुल मोहब्बत होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिनके पास माँ है ना, तो कदर करो, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। जैसे बेशक आपने कहा कि माँ के तो कदमों के तले जन्नत है, बिल्कुल तो ये तो चले एक बहुत गहरी बात है अगर कोई समझे इस बात को कि क्यों माँ के कदमों तले जन्नत है। लेकिन अगर माँ की बाप की दोनों की, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर माँ बाप की अगर कोई इज्जत नहीं करता ना, तो वो दुनिया में भी रुसवा है और आखिरत में भी जो है उसको आइडिया हो जाएगा कि माँ बाप की कदर करने ना करने वाला कहाँ से खड़ा होगा। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल हमेशा मैं कहता हूँ कि माँ बाप की कदर करनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। जिन मुश्किलात में, जिन हालात में वो आपको पाल के बड़ा करते हैं, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि ये आपकी काबिलियत है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा घाटे का सौदा और सोच यही है कि आपने ये सोच लिया कि आपने कुछ किया। बिल्कुल ये एहसान है आपके माँ बाप का जो अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए आपकी परवरिश की, आपको बड़ा किया। बेशक तो हमेशा इज्जत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए और उफ भी नहीं करना चाहिए। बेशक बेशक नाजरीन, अब आपने आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बिल्डर्स हजरात हमारे साथ हैं, बिल्डर के जो नुमाइंदा हैं, चेयरमैन हैं आबाद के, वो हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ हमने अपने स्टूडियो में बुलाया हमारे गेस्ट, क्योंकि चोली दामन का साथ रहता है बिल्डर्स और रियल्टर्स का, तो हमने दोनों को साथ इस वक्त बिठा दिया है। और ये हमारी दोनों अशखास जो हैं वो हमारी पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री की बैकबोन है। तो हम वेलकम करते हैं जनाब ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब एम रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, खुश आमदीद, शॉर्ट नोटिस पे आप आ गए सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बदवाएं शुक्र। तो मैंने तारुफ सही कराया ना कि आबाद और रियल्टर एसोसिएशन ये दोनों एक साथ बैठ गए आज, तो आज धमाका करना है, क्योंकि अभी हमारी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की या कराची के रियल स्टेट के हालात हैं, ये सवाल करेंगे आपसे, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं यही सवाल आपसे इसको कंटिन्यू करूंगी कि रियल इस्टेट पाकिस्तान की बैकबोन है, तो इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मदद किया और आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक के साथ जितने हमारे दोस्त हैं, हमारे रियल्टर्स हैं और जो भी अहले पाकिस्तान के, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि मुस्तकबिल क्या है, देखें हमारा मुस्तकबिल रियल इस्टेट के साथ इसलिए जुड़ा है कि अगर आप इंटरनेशनली कैलकुलेशन करते हैं दुनिया की दौलत का, तो उसका 54% रियल इस्टेट के गिर्द घूमता है। सही। तो आप इसको चाहते हुए ख़त्म नहीं कर सकते। अब बिल्डर्स और रियल्टर्स ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। बिल्डर्स माल बनाता है, वो टाउन प्लानिंग करता है या हाई राइज बिल्डिंग्स बनाता है, और रियल एस्टेट एजेंट उसको सेल करता है। सही। तो दोनों का चोली दामन का साथ है। कुछ अरसा से जो हमारे अब अरबाब इख्तियार हैं, पता नहीं किन लोगों ने उनको ये सोच दी कि रियल एस्टेट के ऊपर उन्होंने एक तो बेजा टैक्सेस लगाए, और उसके साथ साथ
इसको डाउन करने की कोशिश की गई कि इंडस्ट्री को हमने आगे लेके जाना है और रियल इस्टेट को कम करना है। तो अब उनको हम क्या कहें कि रियल इस्टेट के साथ पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री चलती है, बल्कि दुनिया की सारी इंडस्ट्री रियल इस्टेट के साथ जुड़ी है। एक जब घर की कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके साथ साथ सैकड़ों एलाइड इंडस्ट्रीज, आप ब्रिक्स की लगा दें, टाइल की लगा लें, सरिये की लगा दें, यानी कि आप जिस रूम में बैठे हैं इसमें आप देखें इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 50 के 60 लाइट के इक्विपमेंट्स लगे हैं। तो ये कंस्ट्रक्ट हुआ तो ये लाइट के इक्विपमेंट्स लगे, बिल्कुल सही। इसके साथ जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम है इस एक कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हैं। तो रियल इस्टेट ही एक ऐसा शोबा है जो मुल्क की सारी इंडस्ट्री चला सकता है। अब इसको ज़रूरत है मैनेज करने की, उसको मैनेज किया जाए, टैक्सेस की जो शड़ है उसको कम रखा जाए ताकि ये बिज़नेस फले फूले और पाकिस्तानियों को रोज़गार मिले। और मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता जाऊँ कि हमारा जो शोबा है पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है जी। इस वक्त ज़रात के बाद जो सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो इसी एक शोबे से हो रही हैं। और मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ रेमिटेंसेस भेजते हैं जी, उसमें से 65%, ये अदाद व शुमार ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स बताता है, उसका 65% हमारी रियल इस्टेट की मार्केट लेकर आती है। ये बिल्डर्स, ये डेवलपर्स, ये रियल्टर्स प्राइवेटली मेहनत करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये लोग मेहनत करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को रागिब करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भेजते हैं और इसी वजह से मुल्क अदायगियों के काबिल बनता है। जैसे कि आप देखें कि 2022 में $31.4 बिलियन आए, उसमें से अगर आप 65% की कैलकुलेशन करते हैं तो ये नियर टू $20 बिलियन बनती है। तो ये पैसा आता है तो भाईजान आप अदायगियों के काबिल बनते हैं, आपका मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आपकी खता कलामी, आप माशाल्लाह 3-4 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं दुनिया में, रियल इस्टेट इंडस्ट्री एक रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी है, आप अपने आप को रेगुलराइज नहीं करा सके, चार कितने सालों से कर रहे हैं, आपने गवर्नमेंट से फाइट की, पिछली जो गवर्नमेंट गई है उन्होंने आपको सब्ज़ बाग दिखाए कि हम ये कर देंगे, रियल इस्टेट में इतने घर बना देंगे, जैसे आसिफ साहब ने भी कहा कि जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने उनसे वादे किए, इलेक्शन के टाइम पर आते हैं वादे करते हैं, आबाद के ऑफिस आते हैं, रियल इस्टेट के ऑफिस आते हैं, कुछ ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद जो है आप अपने आप को अभी तक रेगुलराइज नहीं करा सके। देखें, हम जो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लास्ट भी जैसे अभी आपने आबाद का जिक्र किया तो आसिफ भाई का हमारे ऊपर एक शफकत का हाथ भी है शुरू से ही जी। जब वो कराची चैम्बर में थे तो उस वक्त भी हमारे तमाम इशूज़ के साथ खड़े थे, जब आबाद में आए तो हमारे तमाम इशूज़ के साथ हुए। अभी लास्ट जो वज़ीर बल्दियात थे मुबीन जमानी साहब, जब वो आबाद में आए जी, तो हमारा मुकदमा आसिफ भाई ने उनको सामने पेश किया कि आप इसके लिए लेजिस्लेशन करें, और उसने उन्होंने कमिटमेंट की थी, उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करता हूं कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में कम से कम हम रियल एस्टेट एजेंट्स को एम्पावर्ड करेंगे, इनको यहां पर रजिस्टर्ड करेंगे। अब आगे टेन्योर की बात, अब जब कोई चीज़ फाइनल मराहिल में आती है तो उसके बाद जो है वो हुकूमत चली जाती है, तो अब उसमें हमारा कसूर कोई नहीं है। बाकी आपने बता दी कि रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का लाभ पाकिस्तान में भी लागू होना चाहिए, जैसे कि दुबई में चले जाएं आप, वहाँ पर कोई भी लाइसेंस के बगैर रियल इस्टेट एजेंट अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता, बाकायदा उसको लाइसेंस दिया जाता है, उसके कमीशन को तहफ़ हासिल है। इसी तरह यूरोप में भी उनका जो ब्रिटिश लॉ है, कनाडा चले जाएं, यूएस चले जाएं, सब जगह एक एक बकायदा कानून साजी है। आपको जाने के यहाँ से बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि मैं यूएस चला जाऊँ और वहाँ पे रियल इस्टेट खोल लूँ, ऐसा नहीं है। आपको एक साल इंटर्नशिप करनी है, किसी रियल इस्टेट के पास बैठना है, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना, आप वहाँ बैठेंगे एक साल, इंटर्नशिप करेंगे, सीखेंगे समझेंगे, फिर रेरा टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद आप रियल इस्टेट खोल सकते हैं। तो 2-2.5 साल तो आप कैसे निकल जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो बहुत सहूलत मौजूद है। आसिफ भाई, आप मुझे एक बात बताइए, माशाल्लाह आप चेयरमैन हैं समसम ग्रुप के, आप इतने प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए कराची के अंदर और बड़े बड़े पोश एरिया में बनाए, बहुत सारे बिल्डर्स हमारे मूव कर रहे हैं, चाहे वो कराची से, अब कराची और बहरिया दो अलग अलग रियासतें हैं, बहरिया ने अपना एक वो एसेट बनाया हुआ है, पूरा कराची का अपना एक तरफ है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो दुबई और आगे की तरफ जा रहे हैं। लास्ट लीयर्स से लेके अभी तक पूरे साल में 10 लाख जो है बिजनेसमैन यहाँ से चले गए, क्या कहते हैं यूसुफ भाई? पहली मैं आपको पहले एक उस सवाल का मैं
जवाब दूँ रियल इस्टेट इंडस्ट्री की बात या रियल इस्टेट सेक्टर की बात या रियल इस्टेट एजेंट या बिल्डर्स जी, हमने ये अब ये तफरीक ख़त्म कर दी है। हमने ये हम अब किसी को अपने से अलग नहीं काउंट करते। एक टाइम था कि हमारा एक था कि बिल्डर्स का लाजमी आइडेंटिटी तो रहेगी, जो बिल्डर है वो बिल्डर है, जो रियल इस्टेट एजेंट है वो रियल इस्टेट एजेंट है, लेकिन सेक्टर एक है। हमने काफ़ी सालों से इस पर काम किया है और मिल के काम करने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि अब हम बात करते हैं रियल इस्टेट सेक्टर की जी। और जब सेक्टर की बात करते हैं तो सारे रियल्टर्स जो ऑल कराची के हों, इस्लामाबाद के हों, पाकिस्तान में कहीं के भी रियल्टर्स हों, वो भी चाहे डिफिकल्ट एरिया वाले हों, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारी टीम है। सही। तो ये क्रॉस जी ये तफरीक ख़त्म कर चुके हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि रियल्टर्स को रेगुलाइज होना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। तो देखें, रीरा जो बनी थी ना, तो हम उस ज़माने में बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन होता था, काम करते थे इस सेक्टर में, तो हम खुद हमारे ही लोगों के मशवरे से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी थी, जिसमें हमने ये एस्क्रो की जब बात करें, यूएई की हम बात करते हैं, एस्क्रो की बात करें, ये हम बात करें कि आपके जो लोग हैं वो डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या उसमें उसके प्रिकॉशंस क्या होंगे, तो उसमें बड़ा फीडबैक हम लोगों का था, पाकिस्तानियों का। मैं कह रहा हूँ जिस तरह मेरठ से लाइन की हम बात करते हैं ना, खैर हमारी तो फील्ड नहीं है, लेकिन इस सेक्टर में भी पाकिस्तानियों ने बड़ा काम किया यूएई में। हमारा अलमिया क्या है, मैं आपको बता दूँ, जब हम आज से 20 साल पहले, चूँकि हम आईटी सेक्टर के तो लोग नहीं हैं, मुझे तो जीरो भी नहीं पता था ना, आज बहुत ज़्यादा काम आता है कंप्यूटर का, ज़रूरत के तहत हम ये सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर लेते हैं जी। लेकिन विजन तो था ना, हमने उस वक्त कहा था कि ये जो 20 साल पहले आपने जो ये टैक्सेस लगाए हुए हैं कंप्यूटर की इम्पोर्ट पे, कंप्यूटर के पार्ट्स पे, लैपटॉप पे, आप इसको फ्री करें और आप फैसला करें कि आपने आईटी सेक्टर में काम करना है। इंडिया ने काम किया, 20 साल वो हमसे आगे है, इसलिए कि उसने 20 साल पहले ये फैसला किया, अपने लोगों को मोटिवेट किया, अपने लोगों की ट्रेनिंग की, कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता। तो आज उनकी 100 अरब डॉलर से ज़्यादा मेरे ख्याल से उनकी जो एक्सपोर्ट है इस सेक्टर में है। आप सोचें कि हमारे पास कितना यंग पावर है, हमारे पास जो यूथ की पावर कितनी मजबूत तरीन पावर है, हमारे साथ यूनिवर्सिटी से हर साल लाखों बच्चे जो है ग्रेजुएशन करके और मुख्तलिफ डिप्लोमा डिग्रीज करके वो निकलते हैं। आज आपको एहसास हुआ है, आपको लगता है कि हम 20 साल पीछे चले गए और अब आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसमें इस्तकामत दे कि आप काम करें, क्योंकि अगर आपने आज भी आईटी को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर नहीं समझा, पूरी दुनिया उस पर काम करती है, अगर आज भी आपने नहीं समझा तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, लेकिन आज हमें लगता है कि कोई एहसास है कि इस पर काम हो रहा है। इसी तरह आज मैं आपको एक और बात कह के जाऊँगा यहाँ पर कि लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप रियल इस्टेट सेक्टर को आज लात मार रहे हैं, आप ये चलते हुए सेक्टर को, आज जो सरमायाकारी पाकिस्तान में है या जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको एक तरह से एक थ्रेट है 7E के नाम पे जी। ठीक है जी। हमने बहुत जगहों पे बात की, हमने कोशिश की कि रियलिस्टिक बात करें। आज IMF बात करती है कि टैक्स करना होगा अमीरों को और रिलीफ देना होगा गरीबों को, जो मैंने सुना, शायद आपने भी ये सुना हो, ठीक है, तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर आप उसमें कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो शायद उनकी नौकरी लगाई गई है इस बात पे कि आपने जब भी मौका मिलना है टीवी पे आके ये बात करनी है कि रियल इस्टेट सेक्टर पे, ज़रात पे तो आप लगा नहीं सके टैक्स, रियल इस्टेट सेक्टर को और मज़ीद टैक्स करना है, टैक्स तो आप कर चुके हैं और मज़ीद टैक्स करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये आइडिया ही नहीं है कि रियल इस्टेट सेक्टर है क्या, जिसको आपने हमारे पीछे लगाया और जिसने पूरी कोशिश की अपने टाइम में भी लगाने की, लगाया भी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप आज भी अगर होश के नाखून नहीं लेंगे, जो सेक्टर आपकी 72 अलाइड इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, उसको चलाता है, जो सेक्टर ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्होंने 60% बात की, मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि जो आपकी रिमिटेंस आती है पाकिस्तान में उसका 40-35% हमारे सेक्टर में आता है, मैं पूरे जो रिमिटेंस जो भी आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो जो सेक्टर आपको फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है, आपको अब भी ये समझ नहीं आती, मैं बीइंग अ चेयरमैन आबाद ये बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये एक अहम तरीन एसोसिएशन है, अगर आज भी आपको इस बात की समझ नहीं है कि ये सेक्टर
जो आज यहाँ काम कर रहा है, इन हालात में भी जहाँ डिवेल्यूशन हो जाती है, यानी यूँ समझ लें कि पूरी ज़िंदगी मेहनत करके मैंने 100 रुपये कमाए थे, तो आज वो खुद वो 35 रुपये हो गए मेरे। सही बात। तो ये लूडो में जैसे पीछे सांप सीढ़ी का खेल है, 99 से वापस नीचे। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहता हूँ कि उसके बावजूद भी हम यहाँ है ना, हम आपने भी जिक्र किया कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इस सेक्टर से निकल के पाकिस्तान से जा चुके हैं, पूरी दुनिया जानती है। ये तो अब गूगल का दौर है, आप अभी सर्च करें आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है, क्या हो चुका है जी। आज भी अगर हम यहाँ मौजूद हैं, आज भी हम मायूस नहीं हैं, आज भी हम पुरुमीद हैं। तो इसलिए पुरुमीद है कि जब एक बिल्डिंग बनती है ना 1000 गज के प्लॉट पे, जिसका डायमेंशन होता है 75 × 120, ये मास्टर प्लान का एक रूल है, बिल्कुल सही। उस बिल्डिंग पे 150 मजदूरों को 1.5-2 साल तक रोजी मिलती है, उनको मिलती है जो नॉन स्किल है, जो जिनकी स्किल भी कोई नहीं है। ये तो मैंने अभी इनकी बात की है, फिर जो स्किल लोग हैं, जो डिप्लोमा या जो इंजीनियर्स हैं, उनकी अलग बात है। जो मटेरियल वो यूज़ करता है ना, कम अज़ कम आज का जो बायलॉज है, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो बायलॉज हैं इस शहर के अंदर, उस पर अगर आज हम एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो जो उसका रेशो है या जो उसके फुट बनते हैं, वो तकरीबन 72 करोड़ रुपए की लोकल इंडस्ट्री से परचेज करता है, वो 1000 गज पे प्लॉट पे। तो पूरी दुनिया में आज मिन्नतें की जाती हैं इन्वेस्टर से, रोड शो किए जाते हैं सफारती सतह पे, और तरगीब दी जाती है कि आप इस सेक्टर में, और किसी सेक्टर में वो परमिशन नहीं देते, आप इस सेक्टर में आए, हमारे पास इस सेक्टर में काम करें, हम आपको पासपोर्ट देंगे, हम आपको रेजिडेंट परमिट देंगे, हम आपको तमाम वो फैसिलिटी देंगे, बल्कि उनसे बढ़ के देंगे जो हमारे सिविलियंस को हैं, हम आपको टैक्स पैराडाइज भी देंगे। आप सोचें कि वो मेहनत में लगे हुए हैं, आज दुबई में रेत थी ना, आज उसने उस रेत में फुट बेचे जी, और अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। और आज देखें, जो विजन और जो कामयाबी कोई भी हासिल करे ना, हमें मानना चाहिए, आज उन्होंने जिस विजन पे काम किया, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपके पास होते हुए, आपके पास था, आपने जिक्र किया, ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो चले गए, लेकिन हम उम्मीद तो नहीं तोड़ सकते। नहीं तो। जो मैं एक बीइंग अ चेयरमैन आबाद, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम मायूस हो जाएं, हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हमें उम्मीद है फिर हालात अच्छे होंगे। लेकिन अगर आज भी आपने ये बातें ना छोड़ी, या ये इम्प्रेशन क्रिएट ना किया कि कोई इंडस्ट्री नहीं चलती अगर रियल एस्टेट चलता है, तो फिर मैं समझता हूँ आपको पता ही नहीं है। आपको, आपके पास सबसे बड़ा सरप्राइज तो क्या है, आपकी बॉडी में रियल एस्टेट सेक्टर का कोई नुमाइंदा है ही नहीं जो आपको रियलिस्टिक बात आपको बता सके, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, नहीं जो आपको बता सके कि एक्चुअल क्या पोजिशन है। दूसरी बात ये कि आप ये देखिएगा, आज ये वक्त है, आज ये मैंने जैसे कहा कि दुनिया में तलाश किया जाता है लोगों को कि ढूंढ के लाओ उनको क्या फैसिलिटी चाहिए, वो देते हैं, उनको बोलो हमारे मुल्क में सेक्टर में आके काम करें। और हमारे यहाँ उल्टा है अभी तक कि ढूंढा जाता है कि पता करो कौन है जो इस सेक्टर में काम कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं है। तो आप डाउनसाइज करो। आपको मैं आज बता रहा हूँ, जिस तरह 20 साल पहले आपने देर की कि आपने ड्यूटियाँ इतनी बढ़ा के रखी, उस IT की जो इक्विपमेंट थी जिस पे के हम चल सकते थे, बच्चे आगे बढ़ा सकते थे, लैपटॉप हो गए, जो चीज़ें हो गई, और 20 साल बाद आज आपको ख्याल आया, आज के 20 साल के बाद आप पछताएंगे इस बात पे कि जो बचे कुचे लोग रह गए हैं इनको भी अगर आप भगा देंगे, क्योंकि ये कोई, मैंने जैसे आपसे बात की ना कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये चेयरमैन होता जो आबाद होता है, या आबाद की हमारी जो एसोसिएशन है, ये अल्लाह ताला ने उसको ये एजाज़ दिया है, इस पर एहसान किया कि उसको प्रोटेक्टर बनाया है लाखों जॉब्स का, कि वो अगर उन पॉलिसीज़ पे काम करें, उन अच्छी पॉलिसीज़ को बनाने में वो अगर वो कामयाब हो जाए जिससे इस मुल्क में ये सेक्टर चल जाए, तो आप सोचें कि लाखों लोगों का रोज़गार चलता है। अगर आज भी हमने इसको नहीं देखा, आज भी हमने ये बात की, आप सोचें कि आप कहते हैं IMF को हमने ब्रीफ किया, या IMF ने कहा आपको कि आप पे टैक्स लगना चाहिए। तो बहुत सिंपल मैं बात बताता हूँ, ये जो आबाद है ना, आबाद के मेंबर 90% वर्टिकल तामीरात में है, ठीक है। वर्टिकल तामीरात का मतलब है कि 700 फुट से लेके वो 2500-3000 फुट का एक एवरेज फ्लैट बनाते हैं, जिसमें गरीब तरीन बंदा भी जो है वो भी छोटी छोटी अपनी सेविंग करके इंस्टॉलमेंट पे 3-4 साल की इंस्टॉलमेंट पे अपना वो घर आज तक बना लेता था। आज आप कहते हैं कि इसको टैक्स करना है, तो बहुत सिंपल है फार्मूला,
मैं एक शूज़ बनाता हूँ, वो 4000 रुपये की मेरी कॉस्ट है, आपने 4000 रुपये अगर मुझसे उस पर टैक्स लेना है तो मैं इसको 8000 प्लस बेचूँगा। सही। तो ये आप मुझ पर नहीं टैक्स लगा रहे, आप पास ऑन कर रहे हैं फिर उस गरीब पे जाके। इतना सा फार्मूला समझना चाहिए कि आप अगर टैक्स इस सेक्टर को करने जा रहे हैं तो ये अयाशी नहीं है। ये अगर हम वो लोग नहीं हैं, आबाद वो नहीं है कि 4000 गज का स्विमिंग पूल वाला बंगला बना के हम नहीं बेचते, जिसको मैं कहूँ कि ये अयाशी थी। सही है। हम तो वो काम कर रहे हैं जो काम हुकूमत वक्त का था। हर बेघर को आइन कहता है, हर बेघर को छत फराम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। आप नहीं कर सकते, हम मानते हैं आपके पास वसाइल नहीं है, तो कम अज़ कम वो प्राइवेट सेक्टर जो आपसे कोई सब्सिडी नहीं मांग रहा, कोई आपसे लोन नहीं मांग रहा, अपनी मदद आपके तहत उन हालात में इस मुश्किल में काम कर रहा है, तो आपको उसको मदद करनी चाहिए। मुझे याद है, मैं आपको यूएई की एक एग्जांपल देता हूँ कि यूएई में 2008 के एंड में बिल्कुल ही जो है जो कहते हैं एक वर्ड होता है कि बलून फट गया और मार्केट ज़ीरो पे आ गई, तो बहुत से लोग ख़त्म हो गए क्योंकि यूएई में लोकल बायर नहीं है। आपको दुबई में आपको पता है कि उनकी लोकल पॉपुलेशन इतनी नहीं है, वर्टिकल में जाती भी नहीं है, तो सारे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब वो एक तरह से उनको क्राइसिस उनका शुरू हुआ, तो आप भी गवाएं मैं भी गवाऊं कि 4-5 साल के बाद हुकूमत ने उन बिल्डर्स की मदद की, उनको रिवाइवल के लिए हुकूमत ने काम किया, उनको फिर से जिंदा किया, फिर से उनको ऑन किया, और आज आप देख लें, आज की मैं बात कर रहा हूँ, एविडेंट प्रोजेक्ट ना होने के बराबर आपको मिलेंगे। सारे प्रोजेक्ट उन्होंने कैरी किए, टेक ओवर किए, उनको फैसिलिटी दी कि किसी तरीके से वो उसको शुरू करें। तो आप सोचें कि एक पूरी हुकूमत, पूरी मशीनरी इस काम पे लग जाती है। आपसे तो हम ये भी नहीं मांग रहे, हम बीइंग एसोसिएशन हम खुद कोशिश करते हैं, हम अपने लोगों को भत्तों की कॉलें आती हैं, उनको गोलियाँ मारी जाती हैं, उनको जान से मार दिया जाता है, उनको लूटा जाता है, उनको मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स आते हैं, उन हालात में भी हम काम कर रहे हैं ना। हम आपसे क्या करते हैं, हम आपके पास एहतजाज करने नहीं आते, उन हालात में भी हम आपसे मदद मांगने आते हैं, आप हमारी हेल्प करें, थोड़ा सा हमें कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचा के रखें। तो आप सोचें कि इन हालात में भी जब हम काम करते हैं, हम आपसे कोई लोन नहीं मांगते, कोई सब्सिडी नहीं मांगते, उसके बावजूद भी अगर आपको एहसास नहीं है भी आप यही बात करने जा रहे हैं, आप सोचें कि 22-23% जहां इंटरेस्ट रेट हो उसमें ये सेक्टर चल कैसे सकता है। ये सेक्टर क्या 17 और सेक्टर है वो भी नहीं चल सकते। तो उस हालात में भी अगर हम यहां हैं तो आपको बजाय इसके कि हमारे कंधे पे थपकी देनी चाहिए, आप रोज़ाना एक कोई निकालते हैं कोई नहीं, मतलब बात शुरू करते हैं कि जी अब इसको और 100D की हम बात कर रहे हैं, मुसलसल ये बात कर रहे हैं। इमरान खान ने एक एमनेस्टी दी थी, जैसी भी दी, जो भी दी, हमारा उसमें कोई कमेंट नहीं है मेरे, लेकिन जो हुई और उससे कोई भी अगर काम हुआ, आज अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो उनको एक्सटेंड करें। आप उनसे कहते हैं कि जी वो एमनेस्टी से बाहर हो गए, भाई आप सोचें, हमें मुल्क से वफा करनी चाहिए। आपको टैक्स चाहिए ना, टैक्स बहुत मिलेगा। आपने 7E लगाया, 7E का क्या असर हुआ, 7E ने आने वाली प्लॉटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर दिया, क्योंकि ये सारी वो इन्वेस्टमेंट थी, 7E उनको जाके सबसे ज़्यादा हिट करता है, क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है जी, जहाँ पे हुकूमत की तरफ से तो कोई रिलीफ नहीं है कि अगर मेरा या जो भी कोई नौकरी करता है बंदा, उसका इंतकाल हो जाए तो उसके बच्चों को कौन पालेगा, उसका कोई उस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं है। तो हमने ये देखा है अपनी ज़िंदगी में कि अगर कोई थोड़ी बहुत उनको सेविंग होती है तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे सेक्टर में आके कोई प्लॉटिंग में या किसी चीज़ में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज से 15 साल पहले का पूरे पाकिस्तान में आप चेक कर लेना कि अगर कोई 30-35 लाख का प्लॉट किसी ने इंस्टॉलमेंट में लिया था तो आज वो 4 करोड़ रुपये का होगा। बिल्कुल, आप अपने घर का भी चेक कर लेना। बिल्कुल, तो अगर वो 4 करोड़ का है, आपने उसको कहा है कि अब उस पर वो सालाना 4 लाख रुपये टैक्स उसको वो देगा, अब वो है तो नहीं जिंदा, क्योंकि उसने तो ये लिया था इस सोच के साथ, क्योंकि देखें हर माशरे का अलग डायमेंशन है। आपने सोच के साथ लिया था कि कल को मैं जिंदा ना रहूं तो मेरी बच्चियों की शादियां हो जाएंगी, मेरी जो बच्चे हैं वो पढ़ जाएंगे, उनकी फीस अदा हो जाएगी, ये सोच के आपने वो सेविंग की थी। वो सेविंग उस खातून के पास आज मौजूद है, और आज आप उसको कहते हैं टैक्स दे, तो वो कहती है हमें कहते हैं कि हमारे पास तो बिजली के बिल के पैसे नहीं है, उनसे कहें कि अब ये करें कि हमारे इस प्लॉट में से कुछ हर साल ले लिया करें, हमारे पास कैश नहीं है। तो आपने ये जो चीज़ें की, ठीक है, देखें IMF के साथ आपकी बात होती है, बहुत अच्छी बात है, हम खुद आप हमें हमसे मुशावरत करें या हमें बुलाएं, हम आपको आप
आपके पास अगर कोई सवाल है हमारे सेक्टर के लिए, हम जवाब आपको देने के लिए तैयार हैं, हम कोई हल आपको बताने के लिए तैयार हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप तमाम वो चीज़ें फुलफ़िल कर दें जो आपको IMF के साथ बात करने में तकलीफ़ होती है, हम आपके साथ खड़े हैं हर जगह, हर उस मकाम पे हम आपके साथ खड़े हैं जहाँ पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के फ़ायदे की बात होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ अगर गलत, देखें किसी चीज़ की ट्रांसलेशन गलत हो रही है, किसी चीज़ का आप इंटरप्रिटेशन गलत जा रही है, तो आप कम से कम ये उसको ठीक तो कर ले। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो आपने जुमला कहा है उसकी मीनिंग आप अगर गलत बता रहे हैं तो कम से कम उसी से पूछ लें जिससे मुतालिक ये जुमला है, वो आपको सही कर देगा। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ हम जैसे लोग आते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि आज आप इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं इनको आप टफ टाइम दे रहे हैं, ये चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट वो चिड़िया है, इससे ज़्यादा डरपोक चिड़िया कोई नहीं है, कोई नहीं। और ये डरपोक होती है, आप डराएंगे ये डर जाएगी, चली जाएगी, फिर एक बार जब चली जाती है तो ये वापस बड़ी हमारे जैसे मुल्कों में बड़ी मुश्किल से वापस आती है। लिहाजा कदर करें उन लोगों की जो यहाँ काम करते हैं, कदर करें उन लोगों की जो इन हालात में भी पाकिस्तान में खड़े हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं भी उम्मीद लगाए बैठा हूँ और मैं कहता हूँ अपने लोगों से भी कि उम्मीद नहीं छोड़ना, इंशाल्लाह ये मुल्क है, ये मुल्क बहुत बहुत शानदार मुल्क है, अल्लाह ने इसको हमेशा हिफाजत किया, हमेशा हिफाजत करेगा, फिर से चलेगा। तो इसी उम्मीद पे मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, चाहे मेरा मकाम, मेरी पोस्ट, या आप कहीं भी बैठे हों, आप अथॉरिटी पे हों या आप कोई लेने वालों में से हों, लेकिन आपको सबसे पहले अपने मुल्क। बिल्कुल बिल्कुल सही। नाज़रीन, मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा, खुदा रा पाकिस्तान पर रहम करें, अपनी पर्सनल गरज जो है ना वो निकालें, आज पाकिस्तान के लिए काम कर लें, पाकिस्तानी आवाम के लिए काम कर लें। आसिफ भाई की आपने बातें सुनी, जो उन्होंने पॉइंट्स बताए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो बिल्डर्स आपको कमा के देता है, पाकिस्तान का रियल इस्टेट आपको कमा के देता है, पाकिस्तान को किसी से कर्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियल इस्टेट सेक्टर को इजाज़त दे दें कि ये सारे काम आप करेंगे, लास्ट टाइम चेयरमैन आबाद थे मोहसिन शेखानी साहब, और उनको भी उन्होंने भी एक प्रपोजल दिया था, आप भी शायद उसमें थे, कि हुकूमत को आपने कहा था कि आप हमें राउंड अबाउट टू राउंड अबाउट दे दें, हमारा हर बिल्डर उस एरिया को कवर कर लेगा। बिल्कुल, आपने वो भी इजाज़त नहीं, हमने तो यहाँ तक कहा था कि आप जो कच्ची आबादियाँ हैं ना, कच्ची आबादियाँ जब भी बढ़ती हैं ना तो एक हर पूरी दुनिया में इसका एक फार्मूला है, इसकी लिमिटेशन होती है, जब ये 50% से अबव जाती है ना तो फिर ये शहर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तमाम चीज़ों के लिए मुश्किलात क्रिएट होती है, इसलिए कि उनका एड्रेस नहीं होता। और कच्ची आबादी का मतलब है कि कोई एड्रेस नहीं है आपका। हमने तो इनको यहाँ तक ऑफर की कि शहर में जहाँ जहाँ सलम हैं आप डिसाइड करें, कोई पॉलिसी बनाएं, और वो जो लोग जहाँ आबाद हैं उनको हम इस उसी इलाके में उसी जगह कोई ना कोई इनको हम बाकायदा एक तरीके का बना हुआ उनको हम यूनिट बना के देते हैं, और जो बाकी एग्जैक्टली और उस जगह पे हम हाईराइज बना सकते हैं, शहर को खूबसूरत। देखें किसी भी मुल्क में आप जाएंगे ना दुनिया में, जब आप दुबई में उतरते हैं ना या आप सिंगापुर में उतरते हैं, मैं एग्जांपल इसलिए ये छोटी छोटी दे रहा हूँ कि यहाँ अक्सर लोग जाते हैं, बाकी तो पूरी दुनिया में सेम यही बात है। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आप गाड़ी में बैठे होते हैं, तो सबसे पहले जो इम्प्रेशन क्रिएट करता है ना आपके दिमाग में उस शहर का, उस मुल्क का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स होती हैं, वो बताती हैं कि ये कितना तरक्की याफ्ता है और कितना ये पसमानदा है। हम बदकिस्मती से यहाँ से जब निकलते हैं हमारे एयरपोर्ट से, तो जो हशर होता है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो आप काम करने दें, आप बायलॉज बनाएं, अच्छे बायलॉज बनाएं, जो भी चीज़ें कमी बेशी है हमारे साथ मिलकर पूरा करें, काम बढ़ेगा तो टैक्स खुद मिलेगा। बिल्कुल ऐसे आप 70 लगा के आप समझते हैं कि फिक्स टैक्स पे आप थोड़ा सा टैक्स आप ले लेंगे, लेकिन इसका असर ये हुआ कि आने वाले टैक्स ईयर में आपको हमारा सेक्टर आधा टैक्स भी नहीं देगा। आपने 5 रुपये कमाने के लिए 500 रुपये का नुकसान कर दिया है। ये मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि हमें ये पता है कि इससे कितना मुश्किल आते हैं। इवन ये मुश्किल DHA को भी हैं, DCK को भी हैं, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी DHA की स्कीम्स हैं वो भी इसी वजह से हिट हो रही हैं। और सोचना चाहिए हुकूमत को कि इस सेक्टर को कम से कम इस सेक्टर को छोड़ दें। बिल्कुल सही। नाज़रीन, बातें माशाल्लाह बहुत हो गई, और हमारा जो आज ईद का दिन है, लेकिन हमें आपको मैसेज देना है, क्योंकि आसिफ समसम साहब आबाद के चेयरमैन है, और उनसे आज हमें समझना ज़रूरी था कि पाकिस्तान के हालात इनकी नज़र में किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं। हम एक थोड़ा सा सिंगिंग का भी माहौल है ईद की
खुशियों के रंग हैं, दी मेमन टीवी एचडी के संग हैं, और हमारे साथ मेहमान अहम रहमान साहब भी हैं। तो हम फराज भाई से कहेंगे कि ब्रेक पे जाने से पहले आप थोड़ा सा एक माहौल बना दें ताकि ब्रेक के बाद हम दोबारा से कंटिन्यू करें इसको, तो एक दोबारा से एक एनर्जी वाइब्स अच्छी हो। ज़बरदस्त, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा था, आसिफ भाई का बड़ा एक्सपीरियंस है और इनका भी माशाल्लाह। चलें जी फिर एक बड़ा खूबसूरत सा गीत गा देते हैं, और हमारे सकाफ़ती सॉन्ग है, आजकल बड़ा मशहूर भी है, तो आपके सामने आप आ जाएं रिजवान भाई। अपनी गाड़ी रिबन निकालो साथ में जाना तुझको बिठा लो, अपनी गाड़ी रिबन निकालो साथ में जाना तुझको बिठा लो, मछली पलक लाओ तुझे सिंधु दरिया के किनारे, मछली पलक लाओ तुझे सिंधु दरिया के किनारे, हम सिंधु में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज। क्या बात है, हो जाना रे ओ आजा जाना रे ओ आजा जाना रे। आंखों की पलकों में तुझको बिठाए, दिल की बातें तुझको सुनाए, आंखों की पलकों में तुझको बिठाए, दिल की बातें तुझको सुनाए, सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे, सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे, हम सिंध में रहने वाले जिंदगी मेहमान नवाज है सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंध मेहमान नवाज है सारे। जाना रे ओ आजा जाना रे ओ आजा जाना रे। तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ हमारे रिस्पेक्टेबल गेस्ट तशरीफ़ फरमा है रहमान साहब, जो कि ऑल कराची रियल्टर के प्रेसिडेंट हैं। तो इनसे पूछते हैं, ईद का मौका है तो सर आपकी ईद कैसी गुजरी, और ऑफिशियल वाइफ ने आपको क्या खिलाया और नॉन ऑफिशियल वाइफ ने क्या बात करें ऐसा भी है रहमान भाई जी देखें बेजाना आपने कैसी ईद देखें जैसे नॉर्मल गुजरती है, सबसे पहले तो नमाज की अदायगी की जाती है, नमाज की अदायगी की जाके जो मस्जिद में दोस्त वगैरह साथ हैं रिलेटिव्स होते हैं उनसे ईद मिली जाती है, ईद मिलने के बाद रवायती अंदाज में सवैयाँ खाई जाती हैं। पकाया क्या जाता है स्पेशली ये बताएं। देखें ईद को खासकर जब छुट्टी है तो कुकिंग मैं खुद करता हूँ तमाम फैमिली के लिए, क्योंकि जो वीकेंड्स पे भी या ईद के ऐसे मौकों के ऊपर तो वो मेरी तरफ से ही होती है कुकिंग। क्या बनाया आपने फिर इस ईद पे? जो था वो मटन था और बाकी में क्या कढ़ाई मटन क्या? मटन कढ़ाई थी उसके इंटरेस्टिंग भाई। और एक दो डिशेस थी, चाइनीज मेरी स्पेशलिस्टी है। नाइस तो माशाल्लाह सब रिलेटिव से मिला जाता है। फर्स्ट डे तो फैमिली के लिए दिया जाता है, उसके बाद सेकंड डे कहाँ थे आप? सेकंड डे भी आपकी तरह एक प्रोग्राम पे बुला लिया था उन्होंने उसके साथ। ससुराल नहीं गए? ससुराल असल में आउट ऑफ सिटी है, वो बचत है आने जाने में। मतलब जो आपका घर है वही मैका है, वही ससुराल है। आज थर्ड डे की क्या मसरूफियत थी?
देखिए थर्ड डे में दोस्तों वगैरह से मुलाकातें थी, सब जो भी हमारे दोस्त हैं, बाकी फिर इसके बाद भी आपको पता है कि ईद मिलन पार्टियां चलती रहती हैं, हमारा शोभा रियल स्टेट का तो एक एक सोशल नेटवर्क भी है जी बिल्कुल, तो वो एक एक चलता रहता तो है। आप अभी हमें, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा दिन नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में कराची में, मैं अभी नेक्स्ट वीक चला जाऊँगा, तो अब आपके हाथ की कोई ऐसी कढ़ाई या बुध या जुमेरात का आसिफ भाई को भी बुला लें, हम भी आ जाएँ, हमारी टीम भी आ जाएगी, तो एक गेट टुगेदर हो जाएगी, आपके हाथ का बना हुआ खा लेंगे। आपको देखकर खुशी हुई कि बड़ी देर के बाद आपकी तशरीफ आवरी हुई कराची में, थैंक यू, वेलकम करते हैं आपको, और आपके आजाद में एक कशाया भी दिया जाएगा, क्या बात, और माशाल्लाह आसिफ भाई को भी बुलाएंगे ईद मिलन पार्टी के ऊपर, और सारे जितने हमारे आल कराची रियल्टर एसोसिएशन के दोस्त हैं सबको सर ईद का पैगाम, और मेमन टीवी जो है वो ये पहचान बनाने की कोशिश करता है कि हम सब गिले शिकवे भुला के सब एक दूसरे के साथ गैदर होकर हम एक पहचान, हमारी एक रियल स्टेट इंडस्ट्री है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा एक सीरियस सवाल भी करना चाहूँगा साथ साथ, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं मुल्क के, जैसे आसिफ भाई ने कहा कि जो इंडस्ट्री है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जा रही है, और हमारा सेक्टर जैसे रियल स्टेट है वहाँ कोई सैलरी नहीं होती, सिर्फ इंसेंटिव पर काम होता है, तो अब लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है। अभी आसिफ भाई ने कहा कि हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो उनको अपने घर बना के दें, सब्सिडी का मामला वो गवर्नमेंट से नहीं मांग रहे, अपने ओन करना चाह रहे हैं, तब आपका रियल स्टेट जो कंसल्टेंट है या एडवाइज़र है वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि 10 महीने या एक साल हो गया कोई काम नहीं हुआ है, इससे ज़्यादा 20 महीने टू ईयर्स के करीब हो चुका है जो रियल स्टेट मंदी का शिकार है। देखें असल इशू ये है कि इसको जैसे आसिफ भाई ने भी बात की, बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा सपोर्ट किया जाए इस सेक्टर को कि ये सेक्टर चले, और ये सेक्टर चलेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। आसिफ भाई ने जैसे अभी चीज़ें बताई तो मैं एक छोटी सी आपको कैलकुलेशन कर देता हूँ इस सेक्टर की। पाकिस्तान में हर साल 7 लाख घर चाहिए जिस रफ्तार से आपकी आबादी बढ़ रही है, और इस वक्त 80 लाख घरों का शॉर्टफॉल है, और पाकिस्तान में जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख घर बनते हैं, वो भी तमाम 100% प्राइवेट सेक्टर बनता बनाता है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी ऐसी दस्तयाब नहीं है। अब सबसे छोटा यूनिट हमारा 125 गज़ का चलता है, 125 गज़ के घर में आप अगर, मैं एक सिंपल सी एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ कि 2 राज जो मिस्त्री हैं वो काम करते हैं, और उसके साथ 2 हेल्पर्स होते हैं, टोटल 6 बंदों को रोज़ाना का रोज़गार मिलता है। अगर आप 3.5 को 6 से ज़रब दें तो ये 21 लाख लोग बनते हैं, और इनके पीछे 21 लाख घराने हैं जिनके रोज़ में जो यहाँ पर काम करते हैं तो उनके घर में गुज़र औकात होती है। अगर इस 7 लाख घर बने जो पाकिस्तान में शॉर्टफॉल है तो इसका मतलब है ये 42 लाख खानदानों को रोज़गार मिलेगा। अच्छा इसी कैलकुलेशन को आप आगे जब लेके चलते हैं तो जो सरिया काटता है तो उनको भी 3.5 लाख ऑर्डर मिलेंगे, अगर डबल होगा तो 7 लाख ऑर्डर मिलेंगे, जो प्लम्बर काम करता है तो 3.5 लाख ऑर्डर प्लम्बर्स को मिलेंगे, अगर डबल होंगे तो 7 लाख मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो 3.5 लाख इलेक्ट्रिशियंस को ऑर्डर मिलेंगे, 3.5 लाख आर्किटेक्ट को ऑर्डर मिलेंगे, और यानी कि जो वुडन का काम करता है 3.5 लाख ऑर्डर्स उसको मिलेंगे, यानी कि हर किस्म की लेबर इसमें खपत चलती है हमारे रियल स्टेट सेक्टर में। और इसके साथ जैसे आसिफ भाई ने जिक्र किया कि सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो 72 जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। आप सिर्फ लाइट के इक्विपमेंट्स लगाएं ना तो तकरीबन उसके पीछे 100 से 150 इंडस्ट्री चलती है, यानी कि लाइट की आप कितनी किस्में लेंगे, आप तार जो चलती है केबल्स चलती है इसकी कितनी किस्में लेंगे, स्विचेस की कितनी किस्में लेंगे, यानी कि आप सोच नहीं सकते कि ये सेक्टर क्या है, और इसको इस वक्त सख्त बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है। ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि टैक्सेस की शरह कम करें और इसको मुकम्मल बेल आउट पैकेज दें, और ये सेक्टर पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल देगा। सर दिली रहम की जरूरत है ये सारी चीज़, आप माशाल्लाह आपके दिल में रहम आ जाएगा ना। मैं आप दुबई में आप सर्विसेज करके आए हैं, आप देखें कि दुबई में इस वक्त 2023 की जो रियल स्टेट की ट्रांजैक्शंस थी वो $85 बिलियन थी जो दुबई की अथॉरिटीज बता रही हैं, उसमें से 33% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट थी। तो आप अंदाजा कर लो कि उस
$85 बिलियन में गवर्नमेंट को टैक्स क्या मिला होगा, और इसके साथ साथ जो ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट आई है वो तकरीबन $30 बिलियन बनती है और वो हर साल आता है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है ना, और छोटा सा मुल्क कराची के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं है। वो टूर करता है, टूरिज्म आपका वहाँ से चल रहा है, ऑयल खत्म हो चुका है दुबई में, टूरिज्म और रियल एस्टेट सेक्टर ये उसकी तरक्की कर रहा है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी मुल्क ने रियल एस्टेट सेक्टर में उठाया तो दुबई टॉप ऑफ द लिस्ट है इस वक्त। और उसको देखते हुए अब तमाम अरब, सऊदी अरब भी इसी तरफ आ चुका है आपका, वो भी एक 105 किलोमीटर का सहरा में शहर बना रहा है जी, जी, और ये अब दुनिया में अपनी नवीयत का रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो ये पर हमारे वहाँ बंदे भेजे ना रियल एस्टेट का काम करने के लिए, यहाँ तो कुछ नहीं। देखिए हमारे लिए एक सरमाया ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे सर वहाँ से रेमिटेंस आएगी ना मुल्क को, आप 12 मिलियन ने यहाँ से 12 मिलियन ओवरसीज है बाहर, और उनकी सबसे ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में घर खरीदें, पाकिस्तान में अपनी फैमिली के लिए घर खरीदें, अपने लिए घर खरीदें। तो आप इतने बड़े सरमाए से आप फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते, वो यही पैसा दुनिया की दीगर मार्केट में लगाते हैं पाकिस्तान के हालात की वजह से और गलत टैक्सेशन की वजह से। अगर आपके टैक्सेशन ठीक हों, उनको आप फैसिलिटी दें, तो ये पैसा पाकिस्तान में आएगा और ज़मीन कहीं नहीं जाएगी। और रियल अब टैक्सेस की बात होती है तो रियल एस्टेट वाहिद हमारा शोबा है जो डुअल टैक्सेस देता है। एक अगर एसी या एक कार एक दफ़ा मैन्युफैक्चर होती है तो वो एक दफ़ा टैक्स होती है, जब एक घर कंस्ट्रक्ट होता है तो उसके बाद वो जितनी दफ़ा उसकी ट्रांजेक्शन होती है चाहे वो 10 साल में 10 दफ़ा बिके तो डुअल टैक्सेस देता है, कोई और शोभा नहीं है जो इस तरह डुअल टैक्सेस पाकिस्तान को देता हो। ठीक है सर जी, तो भाई रहमान साहब की बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन से आप मुस्तफीद हुए होंगे नाज़रीन हाज़िर। तो मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ इस ये प्रोग्राम मज़ेदार सा जो आप ईद से रिलेटेड देख रहे हैं, इसको पेश किया जा रहा है फलक नाज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से, और साथ ही साथ मेमन टीवी का जो ये प्रोग्राम है इसके पीछे बहुत ही बड़ी एफर्ट है अली गोडिल की। तो भाई इस प्रोग्राम की शेयरिंग को आप लोग कंटिन्यू करिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पहले ब्रेक से पहले जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आसिफ समसम साहब का, जो चेयरमैन है समसम ग्रुप के, चेयरमैन है आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब के भी हैं, साथ साथ प्रेसिडेंट हमारे एम अदीब मेमन टीवी एचडी के। और सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और मुस्तफीद किया हमारे नाज़रीन को। कुछ मैसेज देना चाहेंगे अली गोडल या अपने नाज़रीन के लिए, कम्युनिटी बेस्ड हमारा चैनल है, आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो मेमनी लैंग्वेज में अगर आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज देंगे क्योंकि हमें कभी क्वेश्चन किया जाता है कि आप मेमनी में क्यों नहीं करते, तो कुछ अल्फाज मेमनी में हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए मैं आपको एक बात ये बताऊँ जी कि इस चैनल का नाम मेमन टीवी है, इस चैनल का नाम मेमन टीवी इसलिए है कि अली गोडल की ख्वाहिश थी कि बहुत से चैनल हैं मुल्क में लैंग्वेज के हिसाब से भी, सूबों के हिसाब से भी, तो हमारा मेमन कोई चैनल नहीं, रीजनल होना चाहिए, तो मेमन चैनल नहीं है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेमन टीवी रखें और हमने एग्री किया था, लेकिन कभी भी हमने इसको कम्युनिटी पे बाउंड नहीं किया। ये ज़रूर है कि कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करती है, ये ज़रूर है कि कम्युनिटी है तो हम लोग हमारी आइडेंटिटी हमारी कम्युनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की इस चैनल पे कि हम इस पूरे शहर के लिए काम करें, अभी तो हमारी लिमिट शहर तक है, फिर आगे इंशाल्लाह बढ़ें तो इस्लामाबाद और लाहौर में भी इसको आगे लेके जाएं। विजन बड़ा एग्जैक्टली, देखें विजन क्या है, मैं आपको बताऊं, विजन है अपने शहर अपने सूबे के लिए काम करना, अपने मुल्क के लिए काम करना। हमेशा एक बात करता हूँ कि देखो जब टीम का लीडर जो होता है ना, जो कमांड करता है, अगर वो मुखलिस हो, उसकी लगन हो, तो ये जो टीम है, मैं हमेशा इनकी बात करता हूँ, ये तो मेरे बच्चों के जैसे हैं, और हमेशा जब भी इनकी बात होती है मैं कहता हूँ कि इन इसकी टीम ने, अली गोडिल की टीम ने इतनी मेहनत की अली के साथ मिलके, और बहुत कम टाइम में आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ना कि बहुत कम टाइम में कितनी सारी चीज़ें जो है ना वो तब्दील हो गई। आज जब ये मुझे बताता है, डेटा देता है कि रमज़ान में इतने लोग इतने गेस्ट थे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे अच्छे चैनलों पे ये जो डिग्निटरीज हैं जिनको ये बुलाता है वो नहीं होती, लेकिन अली गोडिल मेहनत करता है, इसकी टीम मेहनत करती है, तो वो सारी जो भी बिजनेस पर्सनलिटीज हैं वो अली गोडिल के चैनल पे हमें हर वक्त जो है वो जब भी उसने बुलाया वो आते हैं,
तो ये इसकी जीत है और इंशाल्लाह ताला यही हमारा विजन है, इसी पे काम करेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन है रहमान साहब से कि रहमान साहब, आप मीमन टीवी के लिए क्या कोई अच्छा मैसेज देना चाहेंगे ईद के हवाले से? देखें, मीमन टीवी जो है वो एक आवाज़ है, और रियल इस्टेट सेक्टर को देखा जाए तो इसको रियल इस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी आवाज़ मीमन टीवी है। Exactly. और माशाल्लाह अली गोडल ने जितनी मेहनत की है, ये जब आया था तो इतना मेहनत करता है, हर रियल इस्टेट का कोई भी प्रोग्राम हो तो इसकी ख्वाहिश होती है कि उसको लाजमी ये कवरेज करें। तो हमारी नेक तमन्नाएं इसके साथ हैं, और माशाल्लाह शहर कराची शहर की कोई भी समाजी तकरीब हो वहाँ पर मेमन टीवी की प्रेजेंस होती है। Exactly. तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे इसी तरह, और हमारी नेक तमन्ना इसके साथ है। सही बात। नाजरीन, मैं अपने मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, बल्कि हम शुक्रगुजार हैं, दी मेमन टीवी HD शुक्रगुजार है, अली गोडल शुक्रगुजार है कि आज ईद की खुशियों के रंग दी मेमन टीवी HD के संग हम आज आप तक लाइव हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बहुत शुक्रिया आसिफ साहब को, एम रहमान साहब को। और हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले क्लोजिंग सॉन्ग होगा और फिर हम नए मेहमान को वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन सॉन्ग के बाद। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पिखाए हुए हैं, तो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, क्यों बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, सुनो तुम का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, दगाबाज हो तुम सितम बहाने वाले, फरेबे मोहब्बत से उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तनब से निगाहें हटा लो भाई, हमें जिंदा रहने दे ए हुस्न वालों। काली 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 जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। अपने घर का ख्वाब तो हर इंसान देखता है,
लेकिन ख्वाबों जैसा घर कहाँ मिलता है, और अगर मिलता भी है तो टूल प्लाजा से भी दूर, इतना आगे कि ख्वाब ही दम तोड़ जाएं। लेकिन रुकें, आपने ख्वाब देखना बंद नहीं करने, क्योंकि मैं आज आपकी इस मुश्किल को आसान कर दूंगी। मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जहां बुकिंग करवाने से आपके ख्वाब जी उठेंगे। फलक नाज ग्रुप, उनका नया प्रोजेक्ट फलक नाज ग्रीन, जहां मैं आज मौजूद हूं। तो फिर आए, अंदर चलते हैं। फलक नाज ग्रुप एक जाना माना और काबिल एतबार नाम। इनका हर प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। एमिनिटीज ऐसी कि लाइफ स्टाइल ही बदल दें। ये बनाकर देंगे आपको घर आपके ख्वाबों की तरह। फलक नाज ग्रुप अपने बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं फलक नाज ग्रीन, वो भी शहर के बीचों बीच। शारे फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन पर वाके शमसी सोसाइटी से मुतसिल जदीद तर्ज तामीर का 4 टावर पर मुश्तमल एक शानदार शाहकार। 3, 4 और 5 कमरों के अल्ट्रा मॉडर्न अपार्टमेंट, जहां अपार्टमेंट की बेल्कनी से हो पूरे शहर का दिलकश नजारा। फलकनाज ग्रीन में मौजूद होंगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, स्टाइलिश रिसेप्शन लॉबी, कुशादा कॉरिडोर, 24/7 सिक्योरिटी, कवर्ड कार पार्किंग, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया, कुशादा दुकानें, मस्जिद, फायर फाइटिंग, स्टैंड बाय जनरेटर, 40% ओपन स्पेस। इसके अलावा यहाँ मौजूद है जिमनेजियम, जॉगिंग ट्रैक, रूफ टॉप सिटिंग एरिया, रेस्टोरेंट, और यही नहीं और भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये है फलकनाज ग्रीन। फलकनाज ग्रीन में जारी है तेज रफ्तार तामीराती काम, सो आए सन के देखते हैं। फलकनाज ग्रीन, न्यू आइडेंटिटी ऑफ शारे फैसल, जदीद और शानदार तर्ज रिहाइश का हामिल, अल्ट्रा मॉडर्न लिविंग लाइफ स्टाइल, आई स्पेस यू कैन कॉल होम। शारे फैसल की इंतहाई प्राइम लोकेशन, यहाँ से कुछ भी दूर नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, 24 आवर ट्रांसपोर्ट, गोया पूरा शहर ही नज़रों के सामने और दिल के करीब। फलकनाज ग्रुप का कोई भी प्रोजेक्ट विजिट कर लें, मॉडर्न लाइफ स्टाइल का एहसास इनके हर प्रोजेक्ट में मौजूद है। तो अगर आप भी अपना लाइफ स्टाइल मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भी बने फलकनाज फैमिली का हिस्सा, फलकनाज ग्रीन। तो व्यूवर्स, कैसा लगा ये प्रोजेक्ट? अगर आप में से किसी को भी अपार्टमेंट बुक करवाना है तो बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें फलक मार्केटिंग। फलकनाज ग्रुप का एक और शानदार जदीद गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट फलकनाज 1, मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 की प्राइम लोकेशन पर, अस्करी 5 के बिल मुकाबिल 4 और 5 कमरों के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट, कमर्शियल एरिया, शॉप्स और शोरूम्स। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए फलक मार्केटिंग। 28 अप्रैल बरोज इतवार को होने जा रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मेगा पर्ल, स्पॉन्सर्ड बाय फलकनाज ग्रुप। एक जबरदस्त इवेंट जहां पर होगी आप सबके लिए हाई टी और बहुत सारा एंटरटेनमेंट, तो आना ना भूलिएगा। फॉर डिटेल कॉन्टेक्ट फलक मार्केटिंग। फलकनाज ग्रुप की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक।